श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 55 से 57। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनंतरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विष्टे शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विष्टे का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष से तदाकार हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है, इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। आप प्रायणात तत्रापि हि दृष्टम्, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांता धारणा से मुक्त होना है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पद्म अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत तथा ज्ञानमय होती है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत परह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।